दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। जिला ऊना में आग का तांडव लगातार जारी है। ऊना शहर के वार्ड नंबर 4 में लगी आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बसाल स्थित प्रवासी मजदूरों की झुग्गियां आग की भेंट चढ़ गई। आग की घटना में प्रवासी मजदूरों की 150 झुग्गियां जलकर राख हुई हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए ऊना, टहलीवाल व अम्ब से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि रात्रि बसाल में सभी मजदूर अपने परिवार सहित अपनी झुग्गियों में सो रहे थे, तभी रात करीब 12 बजे अचानक एक झुग्गी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं एएसपी ऊना प्रवीण भीमान ने बताया, पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। आग के कारणों का भी पता किया जा रहा है। बसाल खड्ड के पास लगभग 1 बजे के करीब रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। इसमें लगभग 150 के करीब झुग्गी झोंपड़ियां जल चुकी हैं। जान माल का कोई नुकसान नहीं है। पुलिस क्या कितनी आग लगी? झुग्गी लगभग 80 झुग्गी लग गई। हुआ क्या था पता नहीं, इतनी रात में 12 बजे लगी है कोई पता नहीं, पहले दिन में सोया था। कोई जानी मानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नहीं जानी मानी कुछ नहीं हुआ, सामान नुकसान हुआ, बच्चे बच्चे सब थे। कितनी गाड़ियाँ आई थी रात? गाड़ी 5 आई थी। हुआ था रात को? रात में 12 बजे रात में लगा था, हम लोग को पता ही नहीं लगा। हम लोग घर छोड़ छोड़ भाग गए, बाल बच्चा लेके निकल गए। और यहाँ क्या गाड़ी आया था, घर कुछ दूर कुल्ली आगे बढ़ गया, सो गया इतने में बस छोला खत्म। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जोहर दिखा रहे हैं। सूर्याकरण भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं स्कूल के विद्यार्थी स्कूल जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।